नमस्कार, पीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पुणे के दापोड़ी इलाके से जुनैद मोहम्मद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। जुनैद पर कश्मीर के एक आतंकी संगठन गजवाते अल हिंद से फंडिंग हासिल करने का आरोप है। तो आज बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और ब्रजभूषण सिंह की एक कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीरों को साझा करके नहले पे दहला मारने की कोशिश की है। वही किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने बीते हफ्ते मुंबई के सेवरी कोर्ट में भी संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। अब सोमैया ने कहा है कि अगर सेवरी कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। इस बीच मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने मुंबई स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में इस मामले में नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। तो उधर एक अहम मामले में मुंबई की पारिवारिक अदालत ने कहा है कि नाबालिग बच्चे को माँ पिता दोनों के ही प्रेम व स्नेह की जरूरत होती है, इसलिए बच्चे के प्रति दोनों की समान जिम्मेदारी है। प्रदेश के इन 5 खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएस ने पुणे के दापोड़ी इलाके से जुनैद मोहम्मद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जुनैद पर कश्मीर के एक आतंकी संगठन गजवाते अल हिंद से फंडिंग हासिल करने का आरोप है। जुनैद सोशल मीडिया के जरिए संगठन के संपर्क में आया था। उसे आज पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा। एटीएस की जाँच में पता चला है कि जुनैद मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले का रहने वाला है। उसकी उम्र 28 साल है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी कि वो जम्मू कश्मीर के नेताओं के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि जुनैद को 10,000 रुपए मिले थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र एटीएस को जुनैद पर नजर रखने की सलाह दी थी। जब उसे एटीएस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तब उसने ये कबूल किया कि उसे 10,000 रुपए मिले हैं। उसे आतंकी संगठन में लश्कर ए तैयबा के लिए काम करने के लिए ये पैसे मिलने की खबर है। उसे सोशल मीडिया के जरिए बरगलाया गया था। एटीएस की गिरफ्त में आए जुनैद मोहम्मद पर महाराष्ट्र में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पैसे लेने का आरोप है। ऐसे में एटीएस मामले की छानबीन के लिए संदिग्ध जुनैद को हिरासत में लेने वाला है। जुनैद बीते 1.5 साल से पुणे में रह रहा था। जुनैद की पढ़ाई मदरसे में हुई है। एटीएस इस पैसे का स्रोत और इसे कहां खर्च किया जाना था ये जानना चाहती है। साथ ही उसके संपर्क सूत्रों को भी तलाशा जा रहा है ताकि उसकी पहुंच की सही जानकारी मिल सके। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल उत्तर प्रदेश बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह छाए हुए हैं। जब से उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करना शुरू किया है, तब से वह महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। कांग्रेस ने कल ये आरोप लगाया था कि राज ठाकरे के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी थी। खुद इस बात को ब्रजभूषण सिंह ने भी स्वीकार किया था कि राज ठाकरे का विरोध करके वो एक तरह से पार्टी का काम ही कर रही है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन आज बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और ब्रजभूषण सिंह की एक कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीर को साझा करके नहले पे दहला मारने की कोशिश की है। इस तस्वीर के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि राज ठाकरे के खिलाफ साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि शरद पवार और उनकी पार्टी है। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे पड़ रहा है कि मंच पर शरद पवार, उत्तर प्रदेश बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मौजूद थे। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने हाल ही में पुणे में एक सभा में अपने अयोध्या न जाने का कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि वो और उनके कार्यकर्ता अयोध्या जाते हैं तो उन्हें किसी साजिश का शिकार होना पड़ सकता था। इसी बात की भी आशंका थी कि उनके कार्यकर्ताओं को फर्जी मामले में फंसाया जाता। ऐसे में कार्यकर्ताओं को किसी मुसीबत में न डालने का फैसला राज ठाकरे ने लिया था। किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने बीते हफ्ते मुंबई के सेवरी कोर्ट में भी संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। मेधा ने सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल शिकायतों में कहा कि पिछले महीने राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है, जो एक कदम निराधार है। मीडिया में दिए गए राउत के ये बयान मानहानि करने वाले हैं। ऐसे में राउत को नोटिस देकर उनके खिलाफ मानहानि का केस शुरू किया जाए। सोमैया ने तब कहा था कि अगर सेवरी कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। संजय राउत ने दावा किया है कि किरीट और मेधा सोमैया ने शौचालय घोटाले में 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उनके पास इस मामले में कुछ दस्तावेज है जिसको वो सबके सामने भी रखेंगे, नेता का पर्दाफाश करेंगे। अप्रैल में शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि सोमैया परिवार ने प्रतिबंधित एक गैर सरकारी संगठन युवा प्रतिष्ठान 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल थे।
अब मानहानि का दावा ठोक कर सोमैया दंपति ने राउत पर पलटवार किया है। राउत ने अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि एक दूसरे की पोल खोल अभियान में दो बड़े नेताओं को उलझना किसी बड़े मामले का कारण बन सकता है। मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के बीच के लिंक की जांच कर रही है। अब ईडी ने मुंबई स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में इस मामले में नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध था। चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक का डी कंपनी से संबंध था और उन्होंने जानबूझकर 1996 में कुर्ला वेस्ट स्थित गोवा वाला बिल्डिंग कंपाउंड मामले में लेकर षड्यंत्र किया था। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने ईडी को पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत नवाब मलिक के खिलाफ केस में अपना बयान दिया था। अपने बयान में अली शाह ने कहा कि मेरी मां निधन के पहले तक दाऊद इब्राहिम के वित्तीय लेनदेन में लंबे समय तक शामिल थी। अली शाह ने हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल का भी जिक्र किया। सलीम पटेल प्याज का व्यापारी था। अली शाह ने कहा कि हसीना पारकर और सलीम पटेल ने गोवा वाला बिल्डिंग का विवाद खत्म कर लिया था। यह ऑफिस खोलने के बाद उन्होंने इस पर अपना नियंत्रण भी हासिल कर लिया था। बाद में मेरी माँ बिल्डिंग के एक हिस्से को नवाब मलिक के लिए संभालती थी, लेकिन अली शाह को ये पता नहीं था कि नवाब मलिक हसीना पारकर और पटेल को पैसा देते थे। स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया और कहा कि इस बात के शुरुआती सबूत है कि नवाब मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। मुंबई की पारिवारिक अदालत ने पेशे से डॉक्टर मां को 7 साल के लड़के को सीमित समय के लिए सौंपने का निर्देश दिया था, किंतु पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले से जुड़े दंपति का विवाह साल 2012 में हुआ था और दोनों साल 2016 से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। याचिका में महिला ने कहा था कि उसके पति के मां के निधन के बाद घर में कोई महिला नहीं है। इसके अलावा घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है जो बच्चे की जरूरत को देख सके। कुल मिलाकर मां ने अपने 7 साल के बेटे की सुरक्षा के मद्देनजर उसे पिता को सौंपने से मना किया था। याचिका में मां ने कहा था कि यदि बच्चा दिन में पिता के साथ रहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चे को रात के समय पिता के साथ रहने की अनुमति न दी जाए। वहीं बच्चे के पिता ने याचिका का विरोध कर कथित में वो बच्चे को अपने साथ रख चुका है और वो उसे बाहर घुमाने भी लेकर जा चुका है, इसलिए उसे बच्चे को रात में भी साथ रखने की इजाजत दी जाए। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने बच्चे से बातचीत करने के बाद उसे काफी मेधावी पाया और ये देखा कि बच्चे को अपने पिता से प्रेम है और पिता के मन में भी अपने बेटे को लेकर काफी अनुराग है। न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता को ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि वो माँ है तो याचिका में प्रतिवादी बच्चे का पिता है। बच्चे को दोनों के प्रेम व स्नेह की जरूरत है। दोनों पक्षकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे के प्रति दोनों की समान जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति ने मां की याचिका को खारिज कर दिया और उसे 24 मई से 5 जून 2022 तक के लिए बच्चे को पिता को सौंपने का निर्देश दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी का पीड़ित या उसके परिजनों से समझौता मान्य नहीं है, तो अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जश्न की तैयारियां कर रही है। इस बीच पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपए की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहतों पर विचार कर रही है। तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही है। सूत्रों का मानना है कि प्रियंका गांधी को चुनावी समर में उतारकर कांग्रेस संभावनाओं को कमजोर नहीं करना चाहती। देश के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी का पीड़ित या उसके परिजनों से समझौता मान्य नहीं है, ऐसे में इस समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की अपील को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने कहा है कि बच्चे या उसके माता पिता द्वारा किया गया समझौता बच्चे की गरिमा से समझौता है, उस स्थिति तक नहीं उठाया जा सकता है जहाँ कानून के खिलाफ हो जाए। सुरिंदर कुमार नामक शख्स के खिलाफ 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसका पीड़ित पक्ष के साथ समझौता हो गया है, ऐसे में उसके खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को रद्द किया जाए,
जस्टिस पंकज जैन ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत पीड़िता और उसके परिजनों से समझौता होने पर एफआईआर को रद्द करना इस एक्ट की मूल भावना को आहत करने जैसा होगा। जस्टिस जैन ने कहा है कि इस एक्ट को बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि मासूम बच्चों को स्वस्थ माहौल दिया जा सके और उन्हें किसी भी किस्म के उत्पीड़न से बचाया जा सके, मासूम बच्चों को उनके अधिकार मिले, सुनिश्चित किया जाए कि उनका यौन या अन्य तरह से शोषण न हो, शोषण के दोषी को कड़ी सजा मिल सके। इस एक्ट में पीड़ित के परिजनों को उसकी तरफ से समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो ये कानून की भावना के विरुद्ध होगा और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होगा और ये एक बुरी मिसाल कायम करेगा। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए। उनके इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा स्टैंड लिया है। वहीं कांग्रेस ने जत्थेदार के बयान को खतरनाक बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली। हरप्रीत सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आज भी विशेष तौर पर सिख लड़कों और लड़कियों को गुरु हरगोबिंद सिंह जी के आदेश का पालन करने की जरूरत है। उन्हें गतकाबाजी, तलवारबाजी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रत्येक सिख को वैध तरीके से लाइसेंसी आधुनिक हथियार हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हरप्रीत सिंह ने ये बात गुरु हरगोबिंद सिंह के गुरुता गद्दी दिवस के मौके पर बोलते हुए कही। जत्थेदार की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनसे ऐसे संदेश से बचने को कहा है। सीएम मान ने ट्वीट किया है कि माननीय जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी, आपको हथियार रखने के संदेश के बजाय गुरबानी के सरबत दा भला का संदेश सभी तक पहुंचाना चाहिए। हमें आधुनिक हथियार के संदेश के बजाय शांति, भाईचारे और आधुनिक विकास का संदेश देना चाहिए। सौहार्दपूर्ण समाज में हथियार का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने भी जत्थेदार के बयान पर आपत्ति जताई। बडिंग ने सिंह को उनके बयान को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार के पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जत्थेदार साहिब के तथ्यों को ठीक तरह से समझाए बिना युवाओं को आधुनिक हथियारों से लैस होने का संदेश देना सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हानिकारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जश्न की तैयारियां कर रही है। खबर है कि पार्टी ने इस संबंध में कल भाजपा मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 25 मई को भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी। हम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के चलते भव्य समारोह की योजना पर चर्चा के अलावा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े 15 दिनों के कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। सरकार के सभी कार्यक्रमों और नीतियों के साथ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। दरअसल भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के साथ अपने लोगों तक पहुंचने के जरिए बड़े समारोह की तैयारी कर रहे हैं। सरकार में मंत्री विकास तीर्थ यात्रा निकालेंगे, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। भाजपा को केंद्र में 30 मई को 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पार्टी ने 30 मई से 14 जून तक उत्सव मनाने की योजना बनाई है। खास बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 20 मई को जयपुर में मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें लोगों तक सरकार के रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने का खाका तैयार किया गया था। पार्टी को भरोसा है कि सरकार की उपलब्धियां पार्टी को मजबूत करने में मदद करेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में देश ने अपना रुतबा बुलंद किया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपए की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहतों पर विचार कर रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि एडिबल ऑयल जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादों के दामों में कमी आ सकती है। कई आयातों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है, उस पर भी कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। दरअसल सरकार महंगाई को थामने का विचार नहीं कर रही है, ताकि ब्याज दरों में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था पटरी से न उतर पाए। वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह इस संबंध में मीटिंग की थी। शायद उसके बाद ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर राहत का फैसला लिया गया। अब अगले चरण में कुछ और चीजों में राहत दी जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा टारगेट ये है कि महंगाई में 60 से 70 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी जाए। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ही कमी करने से 40 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है। सरकार अब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स पर भी छूट देने का प्लान बना रही है, जिनके लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर रहता है। फिलहाल सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से उन उत्पादों की लिस्ट मंगाई है, जिन पर टैक्स में कटौती करके महंगाई में राहत दी जा सके। इसके अलावा सरकार की एक बड़ी कोशिश ये भी है कि पाम ऑयल पर निर्भरता कम की जा सके।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही है। प्रियंका गांधी 2017 से ही एक्टिव पॉलिटिक्स में है और उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही है, लेकिन अब तक वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं रही। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए ताकि वो मुखरता से पार्टी का पक्ष संसद में रख सके। कांग्रेस लीडरशिप और स्टेट्स यूनिट्स के बीच फिलहाल आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत की स्थिति में है। फिलहाल इन सीटों से किन नेताओं को मौका दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। इसी बीच कुछ नेताओं ने प्रियंका गांधी को उच्च सदन में भेजने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अब तक प्रियंका गांधी या फिर परिवार के अन्य किसी सदस्यों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पार्टी के किसी अन्य नेता ने भी खुलकर इस पर बात नहीं की है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं तेज है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को अमेठी या फिर रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर पहले विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इस बार इरादा बदलता दिख रहा है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है उसमें इन सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतना भी रिस्की है, जो कभी गांधी और नेहरू परिवार का गढ़ रही है। अमेठी से 2019 में खुद राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और सोनिया गांधी की जीत का अंतर भी काफी कम हो गया था। ऐसे में प्रियंका गांधी को चुनावी समर में उतार कर कांग्रेस संभावनाओं को कमजोर नहीं करना चाहती। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में उसके ही भांजे अली शाह पारकर ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने अहम खुलासा किया है। तो महिलाओं के खिलाफ जारी तालिबानी फरमान के विरोध में अब वहां के पुरुष एंकर ने भी मास्क पहनकर न्यूज पढ़ना शुरू कर दिया है। वहीं चीन की सरकार अपने नागरिकों से कम 3 बच्चे पैदा करने को कह रही है, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह तरकीब काम नहीं आ रही है। इसी बीच क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। तो उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख सलाहकार ने कहा कि यूरोप में हाल में 2 रेव पार्टी में जोखिम भरे यौन व्यवहार के कारण संभवतः मंकी पॉक्स का प्रसार हुआ है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में उसके ही भांजे अली शाह पारकर ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने अहम खुलासा किया है। अली शाह पारकर दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अली शाह पारकर से भी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका मामा दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है। याद रहे भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताता आया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। पाकिस्तान को भेजे गए अपने डोजियर में भी भारत ने दाऊद के ठिकानों का खुलासा किया है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि दाऊद उनकी सरजमी पर रहता है। अब अली शाह पारकर ने बताया कि मेरे मामा दाऊद इब्राहिम 1986 तक मुंबई के डम्बरवाला बिल्डिंग में रहते थे। जब वो हिंदुस्तान से दुबई गए तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे उनके बारे में जो जानकारी है वो सुनी हुई है। परिवार के सदस्य उनके बारे में बताते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार मैं या मेरा परिवार का कोई भी सदस्य अभी उनके संपर्क में नहीं है। हालांकि फिलहाल वो पाकिस्तान के कराची में ही है। कभी कभी ईद या अन्य त्योहारों के मौके पर मामा दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन, मेरी पत्नी आयशा और मेरी बहनों के साथ बातचीत करती है। तालिबान सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जारी अपने ताजा फरमान में कहा है कि वो टीवी पर न्यूज पढ़ने के दौरान अपने चेहरे को पूरी तरह ढंग कर रहेगी। शुरू में इस सनकी फरमान को महिला एंकर्स ने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबानी शासकों ने इस पर सख्ती से अमल करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अपनी महिला साथियों पर इस तरह की पाबंदी के विरोध में अब पुरुष एंकर ने भी मास्क पहनकर न्यूज पढ़ना शुरू कर दिया है। चूंकि वो तालिबान के फरमान का पालन नहीं करने की हिम्मत तो नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने खुद भी अपना चेहरा ढंक कर न्यूज ब्रेक करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के मेल एंकर के इसी तरह से विरोध दर्ज करने पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी सराहा जा रहा है। इससे पहले तालिबान ने फरमान जारी किया था कि सभी महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर सिर से पैर तक कवर करेगी और सिर्फ ऐसे कपड़े पहनेगी जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आएगी। इस फरमान के मुताबिक महिलाएं तभी घरों से निकल सकती है जब बहुत ही जरूरी हो, और अगर महिलाओं ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया तो इसकी सजा उनके पुरुष रिश्तेदारों को दी जाएगी। यहाँ तक कहा गया है कि महिलाओं ने अगर बात नहीं मानी तो पुरुषों को जेल में तक डाला जा सकता है। तालिबान के पिछले शासनकाल में भी महिलाओं पर और ज्यादा पाबंदियां थोपी गई थी, जिसमें न तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और न वही सार्वजनिक जीवन जी सकती थी। इस बार जब पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो भरोसा दिया था कि वो सुधर चुके हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी क्रूरता अभी भी बरकरार है।
चीन की सरकार निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ से परेशान है। कुछ समय पहले से कोशिश की थी जनता को डरा धमका कर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करे, लेकिन शी जिनपिंग की सरकार के सारे हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। खास करके कोरोना महामारी ने जनता को विरोध करने की स्थिति के लिए मजबूर कर दिया है। उनके पास यही सवाल है कि जब उन्हें अपना ही पेट भरना मुश्किल हो रहा है तो आने वाले संतानों की देखभाल वे कैसे कर पाएंगे। बता दें कि चीन की सरकार ने विवाह योग्य आबादी को जल्द से जल्द शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया था और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने को कह रही थी, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये तरकीब काम नहीं आई। प्रशासन की ओर से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकने वाली आबादी को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता सरकार के सुनने को तैयार नहीं हो पा रही है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस मोर्चे पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सारा हथकंडा बेकार साबित हुआ है। चीन की सरकार चाहती है कि लोग कम उम्र में शादी कर ले ताकि कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करें, जिससे आने वाले समय में नई आबादी बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक संभावित माता पिता की ओर से इस फरमान का सख्त विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जब सख्त क्वारंटाइन और लॉकडाउन की वजह से अपने ही जीवन को आर्थिक रूप से नहीं संभाल पा रहे तो स्थिति में होने वाले बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। दरअसल चीन के नागरिकों की निराशा इस वजह से चरम पर पहुंच चुकी है कि वो घरों में बंद रहने को मजबूर है। खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही है, आमदनी का कोई भरोसा नहीं रहा, कीमतें आसमान को छू रही है। चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है। वो हर बार अपनी ताकत दिखाकर दूसरे देशों को डराने की कोशिश करता आ रहा है। हालांकि अमेरिका ड्रैगन की इस चाल को समझ चुका है। उसने चीन को लेकर अपने विदेश नीतियों में भी बदलाव किया है। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, उसे करारा जवाब मिलेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या आपका इशारा सेना की ओर है तो इस पर बाइडेन ने कहा, हाँ मैंने जवाब दिया। चीन के ताइवान पर हमले के बारे में बाइडेन ने कहा कि मेरा आकलन कहता है कि ये नहीं होगा, इसका प्रयास भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी सैनिक मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेगा। बाइडेन क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। उन्होंने चीन को ताइवान के मसले पर कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि यदि ताइवान पर चीन हमला करता है तो फिर अमेरिका उसका माकूल जवाब देगा। ऐसा होने की स्थिति में अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य मदद दी जाएगी। चीन की चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी विस्तारवादी नीति से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। वो सूदखोरों की तरह पैसे बांटकर देशों को गुलाम बनाता है और फिर उस पर आर्थिक कब्जा जमा लेता है। जानकर मान रहे हैं कि क्वाड बैठक के दौरान बाइडेन पूरी तरह कोशिश करेंगे कि चीन पर किस तरह नकेल कसा जा सके, इसकी रणनीति बना ली जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख सलाहकार ने विकसित देशों में दुर्लभ बीमारी मंकीपॉक्स के प्रकोप को अप्रत्याशित घटना बताया है। उन्होंने कहा कि यूरोप में हाल ही में 2 रेप पार्टी की जोखिम भरे यौन व्यवहार के कारण संभवतः इसका प्रसार हुआ है। WHO के आपातकालीन विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर डेविड हेमम ने कहा कि सबसे मजबूत सिद्धांत यह है कि स्पेन और बेल्जियम में आयोजित 2 रेप पार्टी में समलैंगिकों और अन्य लोगों के बीच यौन संबंधों की वजह से इस बीमारी का प्रसार हुआ है। मंकीपॉक्स इससे पहले अफ्रीका के बाहर नहीं फैला था, जहां पर यह स्थानीय स्तर की बीमारी थी। हेमम ने मौजूदा महामारी का आकलन करने के लिए संक्रामक रोग पर WHO के परामर्श समूह की बैठक अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मंकीपॉक्स ज्यादा संक्रामक रूप में बदल सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह अभी पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि यौन संपर्क की वजह से हाल ही में यूरोप मंकीपॉक्स का प्रसार हुआ है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के विषाणु वैज्ञानिक माइक स्किनर ने कहा कि यौन गतिविधि में अंतरंग संपर्क शामिल होता है, जिसे प्रसार के बढ़ने की आशंका होती है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति के यौन रुझान और संरचन के माध्यम का पता नहीं लगता। एक जानकारी के अनुसार स्पेन की राजधानी में अब तक 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत सरकार भी इस बीमारी को लेकर सचेत है और शोध परिणामों पर नजर गड़ाए हुए है। VKB न्यूज की खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।